ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले हो जाए तैयार, कैमरों से मॉनिटरिंग का मंसूबा तैयार। शहर भर में ऑटोमेटिक स्पीड रडार्स लगा दिए गए, तमाम बड़े शहरों और हद रफ्तार के बोर्ड्स आवेजा। कैमरों की मदद से ओवर स्पीडिंग पर चालान किए जाएंगे। मंसूबे का मकसद ट्रैफिक हादसात में कमी लाकर शहर को महफूज बनाना है, सेफ सिटीज अथॉरिटी हुकाम। इंतजामिया और ड्रग इंस्पेक्टर्स की पुलिस के हमरा कोट लखपत में बड़ी कार्रवाई, दुकान से हजारों की तादाद में जाली और नशावर इंजेक्शन बरामद, दुकान सील, दो मुलजिम अदनान और अलादित्ता समेत गिरफ्तार। डीसी लाहौर भी मौके पर पहुंचे, मुनशियात फरोशी के खिलाफ शहर भर में कार्रवाइयां जारी रहेंगी। डीसी बड़े नाम पर बड़ी दो नंबरी, एसी कैंट हैदर अब्बास बटू का पैकेज मॉल और हाइपरस्टार पर छापा, ग्राफोरोशिप पर मैनेजर्स उमर फारूक और शाहिद यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया गया, 1,00,000 रुपए जुर्माना। दोनों स्टोर्स की इंतजामिया अशिया जरूरिया पर ग्राफोरोशी पर मुलाविस पाए गए। तर्जुमान हरबंसपुरा में 12 साल तालिब इल्म अतीक पर उस्ताद का बेहमाना तशद्दुद, अतीक सर्विसेज अस्पताल में दाखिल, हालत तश्वीशनाक है, कारी ने सबक ऊंची आवाज में ना सुनाने पर तशद्दुद किया, वालिद का इल्जाम। डॉक्टर्स के मुताबिक इब्तदाई तशखीस के मुताबिक तिल्ली को नुकसान पहुंचा, पीर को मेडिकल रिपोर्ट के बाद ऑपरेशन का फैसला किया जाएगा। वालिद सिद्दीक की गुफ्तगु, कानूनी कार्रवाई के लिए थाना हरबंसपुरा में दरख्वास्त दे दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत पंजाब काबीना के इजलास में अहम फैसले, इमरान खान का लाहौर में कब्जा माफिया और तजावुजात पर इजहार तशवीश, फौरी कार्रवाई का हुक्म। वज़रा को सूबे का दौरा करने और 100 रोज़ा प्लान की निगरानी की हदायत। पंजाब में बदउनवानी का खात्मा बड़ा चैलेंज है, अवामी मनसूबों का ऑडिट होगा। मेट्रो ऑरेंज ट्रेन मेट्रो बस की ऑडिट रिपोर्ट तैयार की जाए, करप्शन में मुलाविस अफराद को एहतसाब के कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का इजलास से खिताब। बल्दियाती निज़ाम को 10 बरसों से मफलूज रखा गया, नए पाकिस्तान में बल्दियाती निज़ाम तरक्याती काम की असास होगा। बल्दियाती इदारों में निचली सतह पर इख्तियारात की मुंतकली चाहते हैं, साथ ही सख्त मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाएगी। पंजाब का नया बल्दियाती निज़ाम केपी से भी बेहतर होगा। वज़ीर बल्दियात की वज़ीर आज़म को इजलास में नए बल्दियाती निज़ाम पर ब्रीफिंग दी गई। लाहौर पहुंचने पर रुकावटें क्यों खड़ी की, वज़ीर-ए-आज़म बरहम, सख्त नोटिस, शहरियों की आसानी के लिए गैर जरूरी रुकावटें फौरी खत्म की जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सूबाई हुकूमत को हदायत, जमान पार्क में नादरा के खिलाफ शहरियों के एहतजाज का भी नोटिस, चेयरमैन नादरा को मुतासरीन से मुलाकात करने और फौरी मसाइल हल करने की हदायत। तरीन समेत वफ के चौधरी बरादरान से मुलाकात, आरिफ अलवी ने सदारती इलेक्शन में चौधरी बरादरी से हमायत मांग ली, एहतसाब के बगैर कराची के हालात बेहतर नहीं हो सकते। इमरान खान का मशकूर हूँ, उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी पूरी करने का मौका दिया। आरिफ अलवी की चौधरी बरादरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, चौधरी परवेज अलही ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान का फोन आया था, वो भी हंस रहे थे, मैं भी हंस रहा था। आरिफ अलवी को कामयाब कराने के लिए भरपूर मुहिम चलाएंगे। हमें दिवालिया मशक मिली जिसे बेहतर करना है, पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा की तरह सरकारी स्कूल्स का मयार बेहतर करेंगे, 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते, इस मसले को फौरी हल करेंगे। हमारा मकसद तालीम को फरोग देना और शोबे में बेहतरी लाना है। वजीर तालीम शफकत महमूद की नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगु, फैकल्टी मेंबरान से भी मुलाकात की।
امتحان شروع ہو چکا حکومتی منشور پر عمل درآمد کے منتظر ہیں لوگوں کی مایوسی کو ختم کرنا نئی حکومت کا کام ہے حکومت تبدیل ہوئی مگر عام آدمی کے مسائل برقرار ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی پریس کانفرنس وزیراعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کا دارالشفقت کا دورہ بشرا بی بی کی دوست فرخ خان بھی ہمراہ بچوں میں تحائف تقسیم کیے کھانا بھی ساتھ کھایا خاتون اول نے یتیم بچوں کے ساتھ گروپ فوٹو بھی بنوایا خاتون اول کی داتا دربار بھی حاضری فاتح خانی پھولوں کی چادر چڑھائی شعبہ صحت کی بہتری کے لیے وزیر صحت متحرک ڈاکٹر یاسمین راشد کا پی آئی سی کا اچانک دورہ وارڈز میں جا کر مریضوں کی عیادت سہولیات بارے دریافت کیا بولی مریضوں اور ان کے لواحقین کی شکایات پر فوری ایکشن ہوگا بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے آپ وہاں پر فارورڈ بلاک تو نہیں بنانے جا رہے ہیں نہیں جی فارورڈ بلاک کی ہمیں ضرورت نہیں ہے 100 سے زیادہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو پاکستان تحریک انصاف میں شامل کیا جائے یہ تو سسٹم ختم ہونے جا رہا ہے ہم بربلا کر رہے ہیں تحریک انصاف میں سب سے شامل تھے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں لاہور کا پورا چیئرمین کا ایک بہت بڑا گروپ آنا چاہتا ہے مشکل ہوتا ہے میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے ہم نے تو ان کو آمریت جب ان کا عروج تھا تب چھوڑا ہے ہم پہ تو کوئی ایلیگیشن ہے نہیں اوپنلی چھوڑا ہے پانچ لیگی چیئرمین باغی پی ٹی آئی جوائن کر لی پنجاب اسمبلی سے پہلے ضلع اسمبلی میں فارورڈ بلاک چیئرمین یو سی 259 راشد کھوکھر یو سی 257 سے منظر عباس کھوکھر یو سی 251 سے رانا خرم مرتضی شانو بابا اور یو سی 258 سے میاں افتخار احمد نئے پاکستان میں آ گئے نون لیگ نے دھوکے کے سوا کچھ نہیں دیا منظر عباس کھوکھر 100 سے زائد لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے اپوزیشن لیڈر عفیف صدیقی کا دعویٰ لیگی چیئرمینز کے باقی ہونے پر ڈیپٹی میئرز بھی میدان میں آ گئے وفاداریاں تبدیل کرنا آسان نہیں یہ پانچوں بلدیاتی نمائندے پہلے بھی نون لیگ کا حصہ نہیں تھے ڈیپٹی میئر نذیر خان سواتی اور وسیم قادر کے لاہور نیوز سے گفتگو بھاری تنخواہیں لینے والے ریلوے کے کنٹریکٹ ملازمین آئندہ ہفتے سے پہلے گھروں کو چلے جائیں ریلوے میں بدعنوانی کے کیسز نیب کو بھیجیں گے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں لاہور سے راولپنڈی کا سفر ایک گھنٹہ کم کرنا خواب ہے اصل مسئلہ فریٹ کو مسافروں کا نہیں ریلوے کے سابق دور حکومت میں کرپشن ہوئی ریلوے حکام ہی بول اٹھے حکام نے نیب کو تحقیقات کرنے کے لیے خط لکھ دیا ناقص کوالٹی کے 1800 ہارس پاور ویگن خریدنے کا الزام آشیانہ اقبال ہاؤسنگ سکینڈل فواد حسن فواد اپنی بیماری کا ذکر کرتے ہوئے احتساب عدالت میں آپ دیدہ قید تو قید ہوتی ہے کہ آپ کو طبی سہولیات میسر ہیں عدالت کا فواد حسن سے مکالمہ پاؤں کی انگلی میں تکلیف ہے 30 سال سے کمر درد میں مبتلا ہوں شوگر ہونے کا خدشہ ہے فواد حسن فواد عدالت نے فواد حسن کو مزید 10 روزہ ریمانڈ پر نیب کے حوالے کیا 11 ستمبر کو پیش کرنے کا حکم شہر کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے ریکٹر سکیل میں شدت 4.3 ریکارڈ کی گئی شہری کلمہ طیبہ کا ورد کرتے گھروں اور دفاتر سے باہر نکل آئے راوی دنیا کا دوسرا گندہ ترین دریا بن چکا ہم پانی بنا نہیں مگر بچا تو سکتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ماحولیاتی ایشوز پر ضلع عدلیہ کو نوٹس لینا چاہیے جسٹس فرخ عرفان خان پانی اور ماحولیات کے معاملے پر اب تک کی جانے والی کوششیں کافی نہیں جسٹس علی باقر نچوی لاہور ہائی کورٹ بار کے زیر اہتمام ماحولیاتی کانفرنس سے خطاب جسٹس علی اکبر قریشی سمیت دیگر ججز اور وکلا کی بھی شرکت
सूबा भर में 443 इमारात इंतहाई हसास करार, मुहर्रम में 37,414 मजालिस मुनाकिद होंगी, 10,000 जुलूस निकाले जाएंगे। मजालिस और जुलूसों को 4 दर्जाती सिक्योरिटी दी जाएगी। पंजाब काबीना ने मुहर्रम हराम के हवाले से सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया। खोए वाली कुल्फी में खोया नहीं, बादाम वाली कुल्फी में बादाम नहीं। कुल्फी में मसनूई फ्लेवर, गैर मयारी खाम माल और नाके सफाई पर 5 प्रोडक्शन यूनिट सील। मारूफ बाबाजी कुल्फी का मुल्तान रोड और 60 फुट रोड पर वाकया प्रोडक्शन हाउस सील। अलमक्का कुल्फी हाउस, बाबा कुल्फी और बादामी कुल्फी की प्रोडक्शन यूनिट भी सील। सारफीन कुल्फी को मुकम्मल तौर पर दूध और खोए से तैयार प्रोडक्ट समझ कर खाते हैं। फूड अथॉरिटी ओगरा ने आवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया। एलपीजी 5 रुपए फी किलो महंगी कर दी। एलपीजी की कीमत 132 रुपए से बढ़ाकर 137 रुपए फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत 1,564 रुपए से बढ़कर 1,613। जौहर टाउन में मियां बीवी और दो बेटों की पुर इसरार हलाकत का मामला अमवात दम घुटने के बायस हुई। तशद्दुद का कोई निशान नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिस्म के नमूने फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए। खुदकुशी या कत्ल, एक और पुर इसरार हलाकत। डिफेंस बी के इलाके में 26 साल मॉडल गर्ल की फंदा लगी लाश मिली। अनम तनोली 2 माह कबल इटली से पाकिस्तान वापस आई थी। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। तहकीकात शुरू। एक्सपो सेंटर में 3 रोजा बैन अल्क्वामी फूड टेक्नोलॉजी नुमाइश का आगाज। 300 से जायद मुल्की गैर मुल्की कारोबारी इदारों के स्टॉल्स। सूबाई वजीर सनअत व तजारत मियां असलम इकबाल ने इफ्तिताह किया। बोले, पंजाब में तबाह हाल सनअतों को बहाल किया जाएगा। सनअत के फरोग के लिए टेक्निकल एजुकेशन पर भी काम जारी। नाजुक भी किसी से कम नहीं। ग्रेफिन इंटर क्लब में जिमनास्टिक चैंपियनशिप का फाइनल। 125 मर्द और खातिन खिलाड़ियों ने शानदार मुकाबले। ग्रेफिन क्लब ने पहली, लकास स्कूल ने दूसरी पोजीशन अपने नाम की। मीठी बातें है कमाल कर गई, आंखों ही आंखों में तू सवाल कर गई, आंखों ही आंखों में तू सवाल कर गई। दिल्ली देख किन्ने मर्द ने, देख किन्ने पहला तुम्हारे हाथ में है नखरा तेरा नी। और गाने पर रक्स, फिर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की मुलाजिम खातून मुसीबत में गिरफ्तार। आला अफसरान ने तस्वीर और वीडियोस अपलोड करने का नोटिस ले लिया। खातून के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। एएसएफ मुलाजमीन के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी।